हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बनाने जा रही हूँ एक नया डिजाइन का डोरमेट। इसके लिए मैंने 3 कलर का ऊन ले ली है, 9 नंबर की सिलाई ले ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ, बना के बताऊँगी कि कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए मैंने देखिए फंदे डाल रखे हैं पहले से, तो मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं। 20 फंदे से बना के बताऊँगी कि कैसे बनाएंगे। आप जितना बड़ा बनाएं उस हिसाब से अपने फंदे रख सकते हैं कम बेसी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और पहली सिलाई से ही आपको बताएंगे। और आप चाहें तो साड़ी चुन्नी की पट्टी बना के उसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत से ही आपको मैं बता रही हूँ। पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए, लास्ट के हम दो फंदा छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब इस साइड से भी हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए सारे फंदे को कंप्लीट कर लेना है इसी तरीके से। ये कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, उनको अपनी तरफ करते हुए सारे फंदे को फिर से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, 4 फंदे हुए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे बुन लिए। दो फंदे पहले छोड़े थे, दो फंदे अब छोड़ रहे हैं और सिलाई को यहीं से पलट लेना है। अब इस साइड से भी फिर सारे फंदे को हम उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, उनको अपनी तरफ करते हुए फिर से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए नीचे तक जाएंगे, दो फंदे फिर से हम छोड़ देंगे। देखिए, 4 फंदे पहले का था, दो फंदे अब छोड़ गए, तो 6 फंदे हो गए। तो इसी तरीके से हम छोड़ लेती हूँ फंदे, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने फंदे छोड़ने हैं। तो देखिए, मैंने 2, 2, 4, 6, 2, 8 फंदे मैंने छोड़ दिए। अब देखिए, यहाँ से फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, उनको अपनी तरफ करते हुए फिर से हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 फंदे बुन लिए और नीचे के साइड मैंने 10 फंदे छोड़ दिए। सिलाई को यहीं से पलट लेना। अब यहाँ से हमें कलर चेंज करनी है। तो देखिए, यहाँ से मैं ये कलर इसमें ऐड करूँगी। इसको इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए, अब ये 10 फंदे हैं, अब ये वाइट कलर से ही बुनेंगे। ये इसकी उल्टी साइड हो गई और वो सीधी साइड है। अब रेड कलर से अभी नहीं बुनेंगे, सिर्फ हमें ये वाइट से ही बुनना है। तो यहाँ से देखिए चेंज है। अब यहाँ से हम ऊपर की साइड कली बनाएंगे। तो कैसे बनाना है देखिए,
इस तरह से हम सिलाई पे लपेट के धागा और फिर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो एक फंदे बढ़ा लिए, ऊपर की साइड एक फंदे बढ़ेंगे और नीचे की साइड हम दो दो फंदे छोड़ेंगे। दो फंदे छोड़ के सिलाई को यहीं से पलट लेना है। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, एक बार आप समझ लेंगे तो जल्दी बन जाएगी। फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे इसी तरह से सिलाई पे लपेट के। फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे और सिलाई को पलटते हुए हम उल्टे उल्टे गूंद के कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से फंदे इसमें बढ़ेंगे। तो दो फंदे फिर से हम छोड़ देंगे फिर से फंदे बढ़ाएंगे। और देखिए दो दो चार दो छः, ये दो फंदे फिर से हम छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे बढ़ गए और ये दो दो करते हुए दस फंदे थे, दस फंदे मैंने छोड़ दिए। सिलाई को यहीं से पलट लेना है। अब मैं क्या करूँगी, देखिए अब कोई फंदा हम इसमें नहीं बढ़ाएंगे और नहीं घटाएंगे। अब क्या करना है कि जो दोनों कलर से हमें पूरा यहाँ लास्ट तक बुन लेना है। तो कैसे बुनना है देखिए, अब हम कोई ना फंदा बढ़ा रहे हैं और ना ही हम घटा रहे हैं, सिंपल सा हम ये दो सिलाई बुनेंगे, एक सिलाई सीधी साइड से एक सिलाई हम उल्टे साइड से बुनेंगे दोनों कलर्स। अब इसको हम पीछे करेंगे और ये रेड वाली आगे लाके हम अपनी तरफ, और ये रेड वाली है इसे हम ये दस फंदे को बुन देंगे। ये उल्टे साइड से भी हम ये दोनों कलर से उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे ताकि बीच का हॉल ये बड़ा ना हो। और ये दस फंदे रेड से बुनेंगे, फिर बाकी हम दस फंदे सॉरी पंद्रह फंदे हैं वाइट वाली उसे बुनेंगे। यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, पांच फंदे बड़े हुए थे, दस फंदे वाट के पहले के थे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है,
जिस तरह से हम फंदे बढ़ाए हैं उसी तरह से हम इसे फंदे कम करेंगे। देखिए एक फंदे बुन लिए और दो फंदे हम, ये चार फंदे हो गए, एक फंदे कम हो गए और बड़े हुए चार फंदे हो गए, दो फंदे हम नीचे से ले लेंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। जिस तरह से मैं फंदे बढ़ाई थी उसी तरह से फंदे कम भी होंगे और नीचे की साइड दो दो छोड़ी थी तो उसी तरह से दो दो हम वापस बुनते हुए इसमें कंप्लीट करेंगे। तो फिर से हम एक फंदा इसमें कम कर लिए, तो देखिए पांच फंदे हो गए, छह फंदे थे तो एक फंदे कम हो गए, तो ये पांच हो गए, दो फंदे हम नीचे से ले लेंगे और सिलाई को नीचे पलट लेंगे। एक फंदा फिर से कम हो गया, तो इसी तरह से हम ये एक एक फंदा ऊपर की साइड जो पांच फंदे वो कम कर लेंगे और दो दो फंदे हमें ये नीचे से इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चार फंदे नीचे रह गए हैं और दो फंदे ऊपर की साइड रह गए हैं, तो ये मैं बुन लेती हूँ फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं जो क्या बात समझ में नहीं आई आपको। इसी तरह से मैं ये दो फंदे और कम कर लेती हूँ ऊपर की साइड और ये चार फंदे मैं बुन लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये दो फंदे रह गए हैं तो इसे भी मैं बुन लेती हूँ, तो ये दो दो चार छः आठ दस, दस फंदे के दस फंदे हो गए। अब इसको हम पीछे करेंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो जिस तरह से मैंने रेड कलर यहाँ पर मैं छोड़ी थी उसी तरह से आगे ऐड कर लूँगी और वाइट कलर को यहीं छोड़ दूँगी और सारे फंदे रेड कलर के हो जाएंगे। अब हमें कोई फंदा ना घटाना ना बढ़ाना है, बस ये कली बनानी थी तो कली बन गई है। अब इस तरह से हम ये प्लेन प्लेन बनाएंगे, तो यहाँ पहला फंदा हम उतार लेंगे और सिर्फ हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों साइड से कंप्लीट करना है। और नीचे की साइड जो 10 फंदे मैंने छोड़े हैं रेड वाले वो आप उस समय दो दो फंदे बुन लेना है। देखिए ये 10 फंदे हो गए, दो फंदे हम नीचे से बुन के और यहीं से हम वापस हो जाएंगे इस तरीके से, उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। जब हम रेड कलर से बुनेंगे पहला कलर आप जो भी लगाएंगे तो इसी तरीके से बुनेंगे, बस दो दो फंदे 10 फंदे तक छोड़ने हैं और दूसरी कलर हम जब ऐड करेंगे तो हमें कली बनानी है। तो देखिए फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे उनको अपनी तरफ करते हुए और ये सारे फंदे बुनेंगे। 12 फंदे हो गए, अब दो फंदे और ले लेंगे तो 14 फंदे हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम जैसे जैसे छोड़े थे वैसे वैसे हम इसमें बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दो फंदे फिर से हम ले लेंगे और सिलाई को इनसे पलटेंगे, तो 6 फंदे रह गए हैं तो इसी तरह से हम दो दो फंदे करते हुए इसे बुन लेंगे। देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा को अपनी तरफ करके और फिर से हम ये बुनेंगे, दो दो चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये 15 16, तो 16 फंदे हो गए
और सिलाई को इनसे पलट लेंगे। तो चार फंदे रह गए, तो ये चार फंदे मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टे साइड से सारे फंदे को हमें ऐसे उल्टे उल्टे फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये बना के मैं कंप्लीट कर लूँ, तो एक कली बन गई है। तो अब फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दो दो फंदे फिर से हम छोड़ेंगे रेड कलर से। जिस तरह से मैंने शुरुआत में बताई थी उसी तरह से फिर से शुरुआत हो गई। और देखिए एक बात और है, यहाँ पे मैंने वाइट कलर से बनाई है, तो फिर हम दूसरी कली जो बनाएंगे वो दूसरी कलर से बनाएंगे, तो इसमें तीसरा कलर ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो दो ही कलर से बना सकते हैं या तीन कलर से आप बना सकते हैं, अपनी मर्जी से जितना कलर लगाना है आप लगा सकते हैं। देखिए दो फंदे छोड़ दिए, अब सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो इसी तरह से मैं फिर से 10 फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर दूसरा कलर मैं इसमें ऐड करूँगी तो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दो दो करते हुए 10 फंदे छोड़ लिए, 2 2 4 6 8 10। अब सिलाई को यहीं से पलट लेंगे और हम इसमें तीसरा कलर ऐड करेंगे। तो हम इस तरह से हम उसको लेते हुए उसको बुनेंगे। देखिए सेम तरीका है, बस मैंने कलर चेंज करी है। और फिर से हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से सिलाई पे लपेट के। और फिर से हम दो दो फंदे नीचे की साइड छोड़ेंगे इस कलर से। देखिए दो फंदे छोड़ते सिलाई को इनसे पलट गए। तो इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसी तरह से बनेंगे, आप चाहें तो इसमें दो कलर लगा सकते हैं या तीन कलर। फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से सिलाई पे लपेट के। तो इसी तरह से मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दो फंदे फिर से छोड़ के, तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा बना के, फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया, तो इस तरीके से ये बन के कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फंदे कम करके इसको पकड़ के सिल देंगे इस तरह से। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं।